प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था। इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी छोटे भाई ने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के चलते राजा प्रेतात्मा रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेतात्मा होने की वजह से वो इस जगह एक आसपास उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के समीप से गुजरे तो उन्होंने इस प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति भी दिलाई और इसके लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके पुण्य के परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऋषि को धन्यवाद देकर वो स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी की कथा पर